जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। दर्शकों, राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से विश्व शांति और 2019 में होने वाली महाप्रतिष्ठा के प्रचार प्रसार हेतु तमिलनाडु के कृष्णगिरी धाम से निकला विश्व शांति रथ जगह जगह धर्म की महती प्रभावना कर रहा है। इस श्रृंखला में रथ विगत 2 अक्टूबर को राजस्थान की धर्म नगरी किशनगढ़ पहुंचा, जहां अनेक भक्तों ने पूर्ण मनोभाव से भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का पुण्य लाभ लिया। पावन अवसर पर साध्वी वृंदों ने भी भगवान पार्श्वनाथ के दिव्य दर्शन किए। रथ के नगर आगमन पर गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाल कर रथ का भव्य स्वागत किया। अपने भक्तों पे करुणा बरसा। यात्रा में भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, खूब जयकारे लगाए और भक्ति नृत्य भी किया। यात्रा के विश्राम लेने के बाद भक्तों ने पूर्ण मनोभाव से भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन वंदन का पुण्य लाभ लिया। सासू से बहू होना जुदा। अपने गुरु से चेला
सायंकाल भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें संगीतकार ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और भक्तों को भक्ति कराई। मारो बेड़ो रे बेड़ो रे, मारो बेड़ो रे बेड़ो रे, मारो बेड़ो लगा दी जो पार, ओ ना को डर पार सिजी। बोलिए ना बुढ़ा पाशनाथ भगवान की। और दादा मनी वांछित फल देवो सबने, वांछित फल देवो सबने, जिनवर जगदाता मन वांछित फल देवो सबने, जिनवर जगदाता हो ना को डरा पारस जी। मारो बेड़ो रे बेड़ो रे, मारो बेड़ो रे बेड़ो रे, मारो बेड़ो लगा दी जो पार, हो ना को डरा पारस जी। मारो बेड़ो रे लगा दी जो पार, हो ना को डरा पारस जी। मारो बेड़ो रे लगा दी जो पार, हो ना को डरा पारस जी। हो ना को डरा भैरू जी, हो ना को डरा पारस जी, हो ना को डरा भैरू जी। बोली ना कोड़ा भैरव देव की जय हो, नाकोड़ा भैरव देव की जय हो। बोलिए नाकोड़ा भैरव देव की, अंबिका के लाल की जय हो। आइएगा, बड़ा ही सुंदर भजन है। अरे लाल लाल रे, लाल लाल रे, लाल लाल रे धजा और के रे, नाकोड़ा नगरी रुको ताली होनी चाहिए। ओ लाल लाल रे धजा और के रे, नाकोड़ा नगरी माए। नाकोड़ा नगरी एक आसिरो इनकल युग में भैरू जी रो ना, एक आसिरो इनकल युग में भैरू जी रो ना। अगर कोई दूसरा आसरा हो ना तो ताली मत बजाइएगा। एक आसिरो इनकल युग में भैरू जी रो ना, छोटा मोटा सगला ध्यावे भैरू जीरो नाम, छोटा मोटा सगला ध्यावे भैरू जीरो नाम। अरे भक्त तो दादारी भक्ति रचावे, भक्त तो दादारी भक्ति रचावे सारी सारी रा, थोड़ी 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 लाल लाल रे, लाल लाल रे, ओ लाल लाल रे धजा पर के रे, नाकोड़ा नगरी लाल रे धजा रे, नाकोड़ा नगरी मा। अरे भैरू दादारो मंदिर बनियो, दादारो मंदिर बनियो, अरे भैरू दादारो मंदिर बनियो, नाकोड़ा नगरी माँ। लाल लाल रे, लाल लाल रे, लाल लाल रे धजा परुक रे, नाकोड़ा नगरी माँ।
भगता रो रखवाल भैरू जी दुखिया रो दाता रे भगता रो रखवालो दादा रो दाता अरे हेलो सुनता हाजिर होवे भगता रे हितकार हेलो सुनता हाजिर होवे भगता रा हितकार अरे तीन लोक जस गावे जिनरो तीन लोक जस गावे जिनरो नारी जग सुमा लाल लाल रे लाल लाल रे थोड़ी ताली रे थोड़ी ताली रे लाल लाल रे धजा 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 फुरके रे ना कोड़ा नगरी मारो मंदिर बनियो भैरू दादा रो मंदिर बनियो ना कोड़ा नगरी मार लाल लाल रे लाल लाल रे लाल लाल रे धजा फरुक रे नाकोड़ा नगरी मार लाल लाल रे धजा फरुक रे नगर नाकोड़ा मां नाकोड़ा भैरू देव की लाल लाल रे धजा फरुके रे नाकोड़ा नगरी मां लाल लाल रे धजा फरुके रे नाकोड़ा नगरी और दादा निज मन में संतोष दिरावो निज मन में संतोष दिरावो अंबे मारा लाल 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 रे लाल लाल रे लाल लाल रे धजा परके नापोड़ा नगरी मां दर्शकों आइए अब श्रवण करते हैं महासंत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब की दिव्य देशना। देखो एक जमाने में आपने देखा होगा एसटीडी बूथ आपके बड़ी सादरी में बहुत सारे रहे होंगे उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा क्योंकि जैसे ही मोबाइल आया कहीं जो खड़ा है वहीं से बात करता है तो एसटीडी बूथ तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब माहौल बदल गया तो व्यापार बदल गया। अगर बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो तो अपने माल को नहीं माहौल को बेचो। देखो फिर आपका व्यापार कैसे होता। माल बेचने वाला बड़ा नहीं हो सकता, माहौल बेचने वाला बड़ा हो सकता है। अब ये जो अमेरिका में ट्विन टावर्स में ब्लास्टिंग के समय दो मित्र बात किए, पहला मित्र सोचता है कि ये कैसे करोड़ों रुपया कमाता है देखते हैं, दूसरा मित्र सोचता है कि अभी माहौल ऐसा है कि अमेरिका पर ओसामा बिन लादन ने जो बॉम्ब डाले इसके कारण पूरा अमेरिका ओसामा बिन लादन पर कुपित कि इसने हमारे अमेरिका को बर्बाद किया, ये आतंकवादी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब उसको पकड़े कौन भाई, वो तो ऐसी जगह बैठा पकड़ तो नहीं सकते। लेकिन दूसरे मित्र ने सोचा कि इस पर हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस व्यवस्था से इन सबकी नाराजगी का फायदा उठाया जा सके। माहौल नाराजगी का है तो नाराजगी का व्यापार बनाया जाए। किसका? मैंने आपको हिंट दिया था पहले कि उधर लोग टिश्यू पेपर से पीछे पहुंचते हैं, जल से धोते नहीं, सुना हो आपने तो। अंग्रेजी लोग क्या है कि जल का उपयोग नहीं करते, वो कागज से पहुंचते हैं। तो इसने सोचा कि टिश्यू पेपर एक आवश्यक चीज है। अभी आप कुछ भी रोक दो, खाना रोक सकते हो भाई। ये देखो भाई 17 करके आई है, 17 दिन से खाई नहीं है,
वो तपस्या कर सकते हैं। 17 दिन तक टट्टी रोके ये तपस्या कोई करे तो नहीं, टट्टी लगी रोक के बैठिए। मां तपस्वी कोई है ऐसे? मां तपस्वी वो रुक नहीं सकता, वो आके ही रहेगा। पेट को बांध सकते हो, पीछे जो द्वार है उसको बांध नहीं सकते। देनो सही है। अब इसने टिश्यू पेपर में व्यवस्थित किसी प्रेस में जाके किसी टिश्यू पेपर वाले से टाई अप किया, एक पैसा लगाया नहीं खुद का। टिश्यू पेपर वाले को कहता है कि मेरा काम यह है कि अभी जो 3 दिन का ये स्ट्राइक का माहौल है इसमें टिश्यू पेपर सप्लाई करना है, 3रे दिन पैसा दूंगा। टिश्यू पेपर वाला सोचे अरे बंद माहौल में धंधा हो रहा है तो दे दो, पैसा देगा। उससे श्योरिटी ले ली गई, लिखाए गए, अग्रीमेंट बनाया, फिर टिश्यू पेपर बनाए गए। और टिश्यू पेपर में इतना ही फर्क इसने किया कि जो पीछे पहुंचते हैं उस टिश्यू पेपर में ओसामा बिन लैदन के फोटो छपवा दिए, पूरे जगह पर फोटो छपवा दिए। इतना ही, बहुत सिंपल थेरेपी थी, कुछ उसने कुछ नहीं किया। अब कोई भी किसी स्टोर में जावे, बहुत सारे टिश्यू पेपर देखता है कि ये खरीदूं, ये मोटा बहुत है, पहुंचेगा कि नहीं, ये पतला बहुत है, कैसा होगा। लेकिन जैसे ये फोटो वाला देखे बोले कि ये दे दो मेरे को, तो इससे पहुंच के मेरा गुस्सा निकालना है उस पर। आपको बता दूं कि 3 दिन में वो आदमी ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, भारतीय रुपये में 1,70,000 करोड़ के नफे किए सिर्फ फोटो छाप। और वो कहता है कि आशीर्वाद से बड़ा बन जाऊंगा। अरे खोपड़ी में बल आएगी तो तेरे धंधे में बल आएगा ना। जिस दिन खोपड़ी में बल आवे ना, धंधे में बल आवे ना, गल्ले में भी बल आएगा, अपने आप आएगा बल। अपनी सोच की बढ़ाना, आप कुछ भी सोचते हो, जो भी सोचते हो, किसी के बारे में भी सोचते हो, सामने वाला शक्तिशाली है तो आपका तरंग उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो सोचा वैसा आपका सोच आपको तो वैसा ही बना देगा जैसे सोच रहे हो। किसी की पतन का सोच रहे हो तो वो तरंग आपको पतन की तरफ ले जाएगा। और किसी के मंगल की सोच रहे हो तो उसका मंगल हो ना हो, आपकी मंगल की भावना आपका मंगल करके ही रहेगा। आपके सोच में जो नकारात्मकता है पहले उसको निकालिए। अगर आपके सोच में किसी को देख के ईर्ष्या आ रही है, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ईर्ष्या से गामा रे निकलता है। अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के तरंग अपने शरीर से निकलते हैं, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्यों को। जय जिनेंद्र। बीमारी आपके अंदर कोई गलत स्वभाव है, दुनिया सुधरे नहीं सुधरे, आप अपने स्वभाव सुधार लो, फिर देखो बड़ी सादड़ी के राजा आप ही होगे, कोई हो नहीं सकता।